Good morning. Bruno, no cover. Blackie, what are you doing? Oh. Hey guys, I don't know मैं कैसे बोलूं, but Lucy is no more. तो मैं बस आज जान पाई कुछ दिनों पहले Lucy हमारे साथ छोड़ के चली गई है भगवान के पास. And the story begins with Lucy, क्योंकि उसको तीनों पपीज के जो मम्मी है वो रोड साइड डॉग है. हम लोग उनको रूम पे नहीं रखते थे, लाइक हमारे बिल्कुल में रहता था और वहीं पे वो बेबीज दिए थे, तो हम लोग टेक केयर करते थे. एंड देन जब हम लोग सोच ले कि हम तीनों पपीज को रखेंगे, तो जब उनके 45 डेज हो गया था तब हम लोग शादा से अलग करने की कोशिश किए, क्योंकि शादा बाहर जाती थी आती थी तो उससे उन लोगों का प्रॉब्लम हो सकता था. एंड एक दिन एक्चुअली क्या हुआ था, लूसी शादा के साथ घर से निकल के चली गई थी. हम लोग बहुत ढूंढे, फिर जाके हमारे क्लब के जो हमारा क्लब है इधर उधर के एक मेंबर ने आके देखे गया कि लूसी घर से बाहर है. सबको पता है कि तीनों पपीज हमारे घर रहते हैं और हमारे इलाके में पपीज को वो पार्वो हो रहा था. एंड आई थिंक 12-13 पपीज में से दो ही पपीज रोड पे सरवाइव करे थे एंड बाकी हमारे तीन पपीज सरवाइव कर रहे थे रूम पर. लूसी बाहर जो गई, उसके जब आई वो, उसके बाद तो हम लोग ऊपर शिफ्ट कर दिए थे मेरे गेमिंग रूम पे. एंड वो बाहर से वो लेके आई थी, वो जो पार्वो वो बाहर से लेके आई थी. हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था. तो उसके बाद उसका वैक्सीन हुआ एंड उसका तबीयत थोड़ा सा खराब था. एंड हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा हो सकता है. तो वो जैसे ही बाहर आई, हम लोग उसको वैक्सीन दिए, तीनों को वैक्सीनेशन हुआ, सब सही था. लूसी का तबीयत थोड़ा सा खराब था, पर हम लोगों को लग रहा था कि वैक्सीन का होता है, कि वैक्सीन के बाद थोड़ा सा बुखार वगैरह होता है. एंड देन हम लोग बहुत सर्च कर रहे थे कि लूसी को कोई अच्छा फैमिली मिल जाए, क्योंकि तीनों पपीज है और तीनों के दो लड़का एक लड़की है, फ्यूचर में जाके और पपीज हो सकते हैं. तो इसकी वजह से हम लोग लूसी को ढूंढ रहे थे अच्छा फैमिली. एंड मिल भी गया हम लोगों को वैक्सीनेशन के बाद, मतलब पता चला कि वैक्सीन हो गया तो एडॉप्ट भी कर लिया था. एंड देन हम लोगों को जब ब्रूनो का तबीयत खराब हुआ, तब हम लोग सोच रहे थे कैसे हुआ. तो अभी समझ आ रहा है कि लूसी से वो चीज आया था. तो लूसी भी सेम पार्वो से फाइट नहीं कर पाई है और उसका जैसे तबीयत खराब हुआ एक दिन के अंदर, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए, तो वो ज्यादा फाइट नहीं करे. ब्रूनो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पपी एंड ब्रूनो अभी भी फाइट कर रहा है. हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं ब्रूनो को, ताकि ब्रूनो सर्वाइव कर जाए. एंड अभी डे 7 इज बिन 6 डेज उसका सेलाइन दवा सब कुछ चल रहा है. ब्लैकी को भी लूज मोशन हो रहा था तो उसका भी दवाई चल रहा है. बट द बेस्ट थिंग इज मेरे पास लूसी का बस ये निशाना बाकी है, जो कि मैं वो लोग जब 25 डेज का था तब मैं सबके लिए वो बनाई थी, तो ये लूसी के लिए था. तो ये चीज बस ये निशानी मेरे पास है. और लास्ट नाइट एडॉप्शन के पहले जो वो रात था वो मेरे साथ ही सोई थी. सो वी लव यू लूसी, और हमेशा वो हमारे दिल पे रहेगा. एंड एंड लूसी जहाँ भी है खुश है, हेवन पे है. नेक्स्ट जन्म जहाँ पे मिलेगी, आई विश के इंसान होके पैदा हो और बहुत ख्याल से रखे उसको. और शी वॉज द स्वीटेस्ट क्यूटेस्ट.
एंड सबसे ज्यादा बदमाश पपी था, एंड इसी बदमाशी के चलते वो बाहर निकल गई थी। तो अब तो रोके, अब कुछ कर नहीं सकते। मैं ट्राई करूंगी कि ब्रूनो को कुछ ना हो और ब्लैकी सही रहे। बाकी हम सब लूसी को याद करेंगे अच्छे मोमेंट्स में। मैं उसको याद करके रोना नहीं चाहती हूँ, और शायद उसका सफर इतना ही था। और क्या बोलूं, और कुछ बोलने का है नहीं। तो ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो ढेर सारा लाइक कमेंट शेयर करना एंड प्रे करना ब्रूनो हम लोग के साथ रहे हमेशा। टाटा, बाय, सी यू।